तो हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नोकिया 6.1 प्लस के स्किन्स के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया कि नोकिया 6.1 प्लस में आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फिंगर स्मजर्स और स्क्रैचेस पड़ने का डर रहता है। तो अगर आप इस स्किन को अप्लाई करते हो तो ये आपके फ़ोन को कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे देता है और ओवरऑल जो फ़ोन का लुक है इसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज करता है। तो इस स्किन को आप अपने फ़ोन में कैसे अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो ज़रूर से दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसी के साथ चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी ये जो स्किन है ये आपको गैजेट शील्स में देखने को मिल जाता है। तो गैजेट शील्स एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ और बहुत सारे अलग अलग कलर्स वाले स्किन आपको इस फ़ोन के लिए देखने को मिल जाते हैं। तो अभी मेरे पास जो कलर है इसको हम ग्रीन कैमो फ्लैश बुलाते हैं, तो सच में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी क्वालिटी के बारे में, तो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो आपको बहुत ही एक प्रीमियम और ड्यूरेबल क्वालिटी इसकी देखने को मिल जाती है। तो क्वालिटी के हिसाब से मैं इसको 10 out of 10 देना चाहूँगा। तो अभी मैं इसका जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है ये आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो फ़ोन का बैक साइड है इसको आपको बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है। अगर आपके फ़ोन के बैक साइड में कोई भी धूल या स्मजेस वगैरह हो तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है। एक बार साफ़ होने के बाद आप इस स्किन को अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हो। तो इस स्किन में आपको बहुत सारे कटआउट्स वगैरह पहले से ही देखने को मिल जाते हैं, तो इन कटआउट्स के हिसाब से आपको इस स्किन को अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते वक्त आप ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से आप इसको अप्लाई कीजिएगा। तो एक बार अप्लाई करने के बाद आपका जो फ़ोन है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो ये होने के बाद आपको कोई भी हॉट एयर गन या हेयर ड्रायर लेना है और इसकी मदद से आपको इसके ऊपर थोड़ी सी गर्म हवा ब्लो करनी है। तो इतना ही आपको करना है, इसके बाद ये जो स्किन है ये आपके फ़ोन में बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। तो यही था इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर। तो यहाँ पर अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको बस 15 से 20 मिनट में ही अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हो। तो अभी ये जो स्किन है ये आपको गैजेट शील्स में देखने को मिल जाता है। तो गैजेट शील्स एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ स्किन हर फ़ोन के लिए देखने को मिल जाते हैं, और स्पेशली इस फ़ोन के लिए आपको बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ मिल जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्किन इस वेबसाइट से पसंद आता है तो आप उसको ज़रूर से वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों गैजेट शील्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको बेस्ट क्वालिटी के एसेसरीज इस नोकिया 6.1 प्लस के लिए चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ चले दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में भी नोकिया 6.1 प्लस के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसी के साथ चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।